बहनों भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है, हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बसरते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारी योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। और सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। धर्म एक ही है और वह सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटी क्या हो सकती है, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए हैं। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी, लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजय श्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगती है। याद रखना, आज भारत जिस बात की अनुभूति कर रहा है वो अनुभूति हम सबके सामने है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हर भारतवासी प्रफुल्लित है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है। और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है जो सत्य की नजदीक है। लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें स्वयं भी दूरी बनानी पड़ेगी, एकजुट होकर के कार्य करना होगा। अंततः शाश्वत शांति और शाश्वत कल्याण का मार्ग केवल और केवल सनातन धर्म ही दे पाएगा। और आज सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों पर चल करके ही भारत समृद्धि की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक संदेश दिया कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष को व्यतीत कर लिए, अब अगले 25 वर्ष की एक कार्य योजना हम सबको बनानी होगी। 2047 पता नहीं उस समय कौन रहता है कौन नहीं रहता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर रहेगी। और इस संकल्प के साथ उन्होंने कहा 2047
हर भारतवासी का संकल्प दिवस बनना चाहिए। इस बात का संकल्प पंचपूर्ण का संकल्प हमारे यहां हर मानवीय कार्यक्रम के पहले लिया जाता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूरे के पूरे परंपरा के बारे में पढ़ा जाता है। हम किस परंपरा में पैदा हुए, कौन गोत्र है, कौन हमारा क्या विरासत है, अपने पूर्वजों के बारे में बताते और फिर आगामी भविष्य के बारे में संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही पंचप्राण आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को स्मरण कराया। कौन ऐसा भारतवासी होगा, और अगर सच्चा भारतवासी है उसके मन में उससे भाव होना चाहिए कि 2047 होते होते हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, जिससे हर चेहरे पर नुकसानी नहीं जा सके, हर बहन और बेटी को के चेहरे पर मुस्कान नहीं जा सके। और मुझे लगता है हर भारतवासी जो सच्चा भारतवासी है वो अपने देश की सुख और समृद्धि की कामना अवश्य करता होगा। और उस कामना के साथ हम सबको जीने के लिए ये पंच प्राण जो हमारे जीवन का संकल्प बनना चाहिए, यही पंच प्राण है जिसमें हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का यही लक्ष्य जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा लोकल फॉर लोकल, स्थानीय परंपरा लोक परंपरा होगी, लोक व्यवसाय होगा, लोक उद्यम होगा, लोक परंपराएं होंगी, लोक कथानक होंगे, लोक से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन चीजों को हम लोग जब जैसा मेरे क्षेत्र में आते हैं यहां जल प्रबंधन का उत्तम माध्यम लोगों ने अपनाया। बरसात सबसे कम होती है लेकिन जल का प्रबंधन कैसे होना चाहिए, और जल प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री जी ने जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया तो जल शक्ति मंत्री के रूप में जोधपुर के सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने चयन किया। भैया बहनों, देश की आवश्यकता है। हम अक्सर करते क्या है, पर्व और त्योहार होते हैं, किसी के यहां गिफ्ट देना होता है, हम विदेशी उत्पाद पर विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए नहीं, हमारे स्थानीय कलाकार ने, स्थानीय हस्तशिल्प ने, स्थानीय कारीगर ने, स्थानीय किसी व्यवसायी ने, स्थानीय किसी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए किसी कारीगर ने अगर वह प्रोडक्ट बनाया है, वह उत्पाद तैयार किया है, हम उसका क्रय करें और फिर उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में देना वही देना।